हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच वेट लॉस इज सेफ, मतलब हमें सप्ताह में कितना किलो वजन लॉस करना चाहिए फैट लॉस के दौरान। जनरल साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा जनरली हम लोग 1 to 2 pounds मतलब आधा किलो से 1 kilo वेट लॉस कर सकते हैं एक सप्ताह में। आप लोग यह आशा मत रखिए कि आप लोग एक महीना में अपना पूरा वजन घटा लीजिएगा, जितना आपको पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाइएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा आप करते भी हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है और बहुत सारा बीमारी आपके शरीर में हो सकता है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टरों ने और साइंटिस्ट ने रिसर्च करके यह बताया है कि आप लोग 1 to 2 pounds वजन घटा सकते हैं एक सप्ताह में, उससे ज़्यादा घटाने की कोशिश ना करें। और 1 to 2 pounds आपको वजन घटाने के लिए आपको अपना मेंटेनेंस कैलरी से 1000 to 500 calories बर्न करना है डेली, 1000 या 500 calories माइनस करना है आपको डेली। अगर 500 calories आप डेली माइनस करते हैं, डेली अगर आपका BMI जो मेंटेनेंस कैलरी है उससे आप 500 calories माइनस लेते हैं डेली, तो आपका 7 days में 0.5 kilo वजन घटता है। और आप 1000 लेते हैं तो आपका 7 days में 1 kilo घटता है, 1000 माइनस करते हैं तो, आप 500 माइनस करते हैं 0.5 kilo और 1000 करते हैं तो 1 kilo। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए हमारे चैनल को।